पंजाब नेशनल बैंक शाखा बानसूर अपने पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में अंचल में खाता खोलने से लेकर करंट अकाउंट हो सेविंग अकाउंट हो सभी में आगे है। पिछले 3 साल 29 जुलाई 2020 मेरी ज्वाइनिंग से पहले और अब मैं हमारे ब्रांच के खातों में जो फिगर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ डेली 10 से 12 अकाउंट खुलते हैं और अपन वर्किंग डे को काउंट करें और छुट्टी को काउंट करके भी करें तो हमारा एवरेज 5+ सेविंग अकाउंट में रहता है। और हमारे कासा में ज़्यादातर फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन के लिए पूरा जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण परिवेश के भी खाते हमारे यहाँ खूब खोले जा रहे हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ में एग्रीकल्चर का क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है जो बैंक प्राइमरी फोकस एरिया है। MSME में बैंक का ग्रोथ खूब हो रहा है और हमारी तरफ से जो शाखा के प्रबंधक हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो उसका भी शाखा को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इस तरीके से बैंक का ग्रोथ हो रहा है। इस समय पंजाब नेशनल में शाखा 3 साल के अंदर अपने जो सभी फिगर्स हैं उनमें डबल हो चुकी है। पहले जो ये ब्रांच की बैलेंस शीट होती थी 60 से 62 करोड़ की थी टोटल बैलेंस शीट, अभी ये 130 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो शाखा का प्रबंधन बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है। मेरा नाम पंकज टेलर है। मैं एज ए क्लर्कल SWB के तौर पे इस ब्रांच में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ और इस दौरान हमने अपने जो भी बानसूर क्षेत्र में बैंकिंग की सेवाएं हैं रिटेल बैंकिंग के तौर पे हमने हमारा प्रयास हमारे जो भी सीनियर मैनेजर हैं ब्रांच अधिकारी उनके साथ सानिध्य में पूरे सहयोग के साथ काम करके इस ब्रांच को हमने अलवर में एक उच्च रैंक पर हमने मुकाम हासिल करने का प्रयास किया है और आगे भी इस प्रयास को हम प्रयासरत रहेंगे। सभी हमारे जो सहकर्मी हैं जो स्टाफ है बक्स में पूरा ही सहयोग है, चाहे मेरे रिटेल अधिकारी हों या मेरे लोन अधिकारी हों या फिर हमारे ब्रांच मैनेजर हों, इन्होंने पूरी ब्रांच को एक एज ए फैमिली के तौर पर ही देखा है और हम एज ए फैमिली यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ काम करके हम सबको बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। अनिल कुमार मीना है, मैं यहाँ पे द्वितीय अधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पर ऋण प्रस्तावों का देखा मेरे काफ़ी होती है और यहाँ पे हमने लास्ट 1 साल से करीबन 600 के समथिंग तो किसान कार्डों स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे MSME लोन रिटेल लोन भी तुरंत स्वीकृत किए जाते हैं और हमारा इसमें शाखा प्रबंधक साहब का बहुत योगदान रहा है और इसके साथ साथ अन्य स्टाफ का भी काफ़ी योगदान है जिसका हम यहाँ पे बानसूर में अपनी सेवाएँ अच्छी तौर पर दे पा रहे हैं। मैं वीरेंद्र यादव, सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच बानसूर। 2 सितंबर 2021 में मैंने यहाँ ब्रांच में कारोबार संभाला था। उस समय जब ब्रांच का बिजनेस था 100 करोड़ और सितंबर 2022 में लगभग 1 साल बाद में आज ब्रांच का बिजनेस है 135 करोड़। 11 साल में जो ब्रांच का बिजनेस हुआ था वो 100 करोड़ हुआ था जो कि पिछले 1 साल के अंदर 35 करोड़ प्लस हुआ है। इसमें जो मैंने ज्वाइन करने के बाद में जो भी लोग ब्रांच में आए, एक तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस को सुधारा, सामने काउंटर पे या फिर मेरे पास जो भी ग्राहक आया उससे तरीके से हर जो बात जो भी बात हुई उसको समझाया, तो समझाने के बाद में उसको प्यार से बैठ के बातचीत हुई तो लोगों का रुझान बढ़ गया मेरे पास में। ये चीज़ें अगर आप मेरे अलावा जो यहाँ से पिछले 1 साल में लाभान्वित जो ग्राहक हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि जो PNB के मैनेजर ने कैसे ग्राहक से बात करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, क्या उनको संतुष्टि मिलती है का। इसके अलावा जैसे कोई गरीब से गरीब ग्राहक आ गया मेरे पास, सामने भी नज़र रखता हूँ काउंटर पे, अब कोई ऐसा है व्यक्ति आ गया उसको चला नहीं जा रहा, उसको बिठा के कुर्सी पे बिठा के उसका पेमेंट जल्दी से जल्दी करवा के, या कोई लेडीज आ गई उसे कोई प्रॉब्लम है, बुज़ुर्ग महिला आ गई, बुज़ुर्ग व्यक्ति आ गया, अपंग व्यक्ति आ गया, तो उनका ध्यान रखता हूँ। अलवर ज़िले में
पंजाब नेशनल बैंक की जो गरिमा बनाई है हमारे शाखा के सभी सदस्यों द्वारा वो बहुत अच्छी है। और हमारी शाखा ने अप्रैल 2022 से पूरे राजस्थान में बचत खाते खोलने में पूरे राजस्थान में नंबर वन है। इसके साथ साथ कृषि अग्रिम जो एग्रीकल्चर से लोन संबंधित लोन में पिछले एक साल से पूरे राजस्थान में नंबर वन है। राजस्थान में ही नंबर वन नहीं है, इसके अलावा पैन इंडिया में भी टॉप 5 ब्रांचेज में है एग्रीकल्चर लोन सेंक्शन करने में। लगभग 1100 लोन स्वीकृत किए गए हैं कृषि से आधारित एक साल के अंदर अंदर, और अगर अप्रैल से भी हम बात करते हैं तो 300 लोन हम सेंक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे बैंक का NPA था वो अप्रैल 2022 में 11 करोड़ था, और अभी जो आज की तारीख में है हमारा NPA मात्र एक करोड़ है, जो कि 2% से भी कम है। हम अगर बात करते हैं तो हमारे लगभग 40,000 बचत खाते के ग्राहक हैं। टोटल लोन अकाउंट हमारे 1500 हैं, जिनके अंदर 63 करोड़ का लोन है टोटल, और शाखा का डिपॉजिट है वो 72 करोड़ है। 72 करोड़ में से जो बचत का है वो 45 करोड़ है। इसके अलावा 22 करोड़ हमारा है वो टर्म डिपॉजिट FDR में है, और 2 करोड़ प्लस हमारा चालू खातों में। हमारी शाखा में लगभग 400 चालू खाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बानसूर के जो ग्राहक और यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं, यहाँ के बड़े लोग हैं और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारी बात को शांति से सुना, फिर हमने उनकी समस्याओं को सुन के और उनका समाधान हमने त्वरित गति से किया ताकि उनको भी अच्छी सुविधाएँ मिली और बैंक का भी विकास हुआ।